शुरू करते हैं गाइस हमारा मिरर रिफ्लेक्शन टेक्स्ट इफेक्ट्स सिंगल लेयर के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक नया कंपोजिशन क्रिएट करता हूं और मैं इसको नाम दे देता हूं मिरर। तो मैंने यहां पे नाम दे दिया है कंपोजिशन को। अब सबसे पहले मैं मेरा टेक्स्ट टूल यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं और मैं यहां पे टाइप करने जा रहा हूं। ये लिंकन लॉयर है, बहुत ही अमेजिंग नेटफ्लिक्स के ऊपर वेब सीरीज आई हुई है, आप लोग देख सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट अगर आपको क्राइम स्टोरीज और लॉयर स्टोरीज में इंटरेस्टेड है तो आप जरूर जाके इसको देखें। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस टेक्स्ट को यहां पे कंपोजिशन में अलाइन कर लेता हूं। दूसरा चीज, जो इसका पैराग्राफ है वो मैंने सेटिंग यहां पे सेंटर में रखा हुआ है, ये आप लोग ध्यान में रख लेना। अब मुझे क्या करना है गाइस, इसको क्रिएट करने के बाद सबसे पहला जो मुझे काम करना है, मैं यहां से रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट कर रहा हूं और इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर एक मास्क मैं यहां पे ड्रॉ करने जा रहा हूं गाइस। तो मैंने कुछ इस हिसाब से क्या कर दिया, एक मास्क को मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा मास्क वन यहां पे रेडी हो चुका है। अब इसका फेदर जो है मैं यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं वाई एक्सिस के अंदर ऑलमोस्ट 50 का। आगे जाके जरूरत पड़ी तो हम उसको चेंज कर लेंगे। अब क्या करूंगा, इस लेयर को सिलेक्टेड रखते हैं, हम चलते हैं इफेक्ट पैनल के अंदर। यहां पे आपको जाना है डिस्टॉर्ट में और मैं अप्लाई कर रहा हूं मिरर इफेक्ट इसके ऊपर। तो जैसे हमने किया था, हम मिरर रिफ्लेक्शन इफेक्ट सिंगल लेयर में जनरेट करने वाले हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है, जो मिरर इफेक्ट हमने अप्लाई किया हमारे टेक्स्ट लेयर के ऊपर, उसके अंदर रिफ्लेक्शन एंगल की प्रॉपर्टी है। यहां पे एंगल का वैल्यू आपको कर देना है 90 डिग्री। जैसे आप 90 डिग्री करते हो उसका एक रिफ्लेक्शन जनरेट होगा, बट अभी समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, जो आपका रिफ्लेक्शन सेंटर प्रॉपर्टी उसको आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड की तरफ ड्रैग करना है। तो देखो आपका अच्छा खासा रिफ्लेक्शन यहां पे टेक्स्ट का जनरेट हो चुका है, मिरर रिफ्लेक्शन। बट अभी इसको हमें एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिफ्लेक्शन सेंटर का जो वाई वैल्यू है उसको हम लेफ्ट की तरफ ड्रैग करते जाएंगे जब तक कि हमारा टेक्स्ट यहां से कंपोजिशन में से गायब ना हो जाए। ये करने के बाद आपको रिफ्लेक्शन सेंटर वाली प्रॉपर्टी के ऊपर स्टॉपवॉच के ऊपर की अप्लाई कर देना है। तो हमारा 0 नंबर फ्रेम के ऊपर की अप्लाई हो चुका है। अब यहां पे मैं लेयर को सिलेक्ट करके यू प्रेस कर देता हूं। चलते हैं हम ऑलमोस्ट 4 सेकंड के ऊपर गाइस यहां पे, और 4 सेकंड के ऊपर जाने के बाद हम क्या करेंगे, वापस जो रिफ्लेक्शन सेंटर का वाई प्रॉपर्टी उसको हम राइट की तरफ ड्रैग करेंगे ताकि हमारा टेक्स्ट भी रिवील हो और साथ में उसका रिफ्लेक्शन भी यहां पे रिवील होता हुआ दिखे। बट अब जैसे आप देख रहे हो कि भाई हमें ये तो रिवील हो रहा है, बट हमें जो रिफ्लेक्शन का शेडो दिखना चाहिए वैसा एक्चुअली नहीं दिख रहा है, हमें एक्जैक्टली टेक्स्ट रिफ्लेक्शन में दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अब उसको कैसे हम करेंगे, तो यहां पे चलते हैं लेयर के अंदर और यहां पे जो आपका इफेक्ट लगा हुआ है उस इफेक्ट के नीचे आपको दिख रहा है कंपोजिटिंग ऑप्शन, तो यहां पे प्लस का साइन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखो आपका रिफ्लेक्शन यहां पे बेटर तरीके से क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, बहुत लोग इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं बट आप में से कई लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारा गोल आपके साथ नॉलेज शेयर करने के साथ साथ इस चैनल की कम्युनिटी को ग्रो करना भी है। तो अगले 2 महीने में हम हमारी कम्युनिटी को 500 सब्सक्राइबर से 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें जरूर आपका साथ लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक भी जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं आगे गाइस। अब अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, ये मास्क का डिस्टेंस आपको ज्यादा लग रहा है, तो यहां पे क्या कर लो, आप मास्क को सिलेक्ट करो, मास्क पाथ में चले जाओ, यहां पे इसको सिलेक्ट कर लो, इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और थोड़ा क्या कर दो कि ऊपर की तरफ ड्रैग कर लोगे। प्लस जो इसका पोजीशन है रिफ्लेक्शन सेंटर का उसको मैं थोड़ा अप की तरफ लेके आता हूं। तो ये कुछ हिसाब से, इस हिसाब से हमारा रिफ्लेक्शन बेटर तरीके से जनरेट हो चुका है। अब अगर आप फेदर वैल्यू बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, बट मेरे लिए ये गुड एंड इनफ है। दूसरा चीज, मैं मेरा टेक्स्ट का यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं। तो मैं कैरेक्टर में चलता हूं और यहां पे मैं अप्लाई कर देता हूं CCCC। ओके, मैंने ये अप्लाई कर दिया, तो इट विल बी लुक मोर बेटर रादर देन द प्योर व्हाइट शेड। ओके, तो ये बहुत ही बेटर तरीके से हमें दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इतना हो गया, बट थोड़ा और इसको इंटरेस्टिंग भी मुझे बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चलते हैं टेक्स्ट के अंदर एनिमेट में जाएंगे और ट्रैकिंग अमाउंट हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे मैं चला जाऊंगा ट्रैकर के अंदर, स्टार्टिंग में इसका ट्रैकर बोले इतना रहे, तो यहाँ पे मैं की दे देता हूँ 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर चले आएंगे गाइस। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, की अप्लाई कर देता हूँ, चलते हैं हम 4 नंबर की फ्रेम के ऊपर ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे, और हम क्या करेंगे भाई, इसका वैल्यूज कुछ इस हिसाब से बढ़ाते हुए जाएंगे। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बट ज्यादा नहीं करना है मुझे, खाली हल्का सा इसका क्या करना है, इंक्रीज करना है वैल्यू, एक हल्का सा इफेक्ट जनरेट करना है, दैट्स ऑल। और उसका मैं ऊपर यहां पे और भी कोई चेंजेस करने नहीं है। तो ये भी यहां पे अप्लाई हो चुका है। अब थोड़ा और इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, शेडो जो हमारा बनता है रिफ्लेक्शन जो थोड़ा ब्लरी होता है, तो उसके लिए क्या करें, वापस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में चलते हैं और यहां पे जो मैं अप्लाई करने वाला हूं ब्लर ऑप्शन, तो ब्लर में चलेंगे। यहां पे मैं फास्ट बॉक्स ब्लर इसके ऊपर अप्लाई करता हूं और इसका वैल्यू मैं कर देता हूं कुछ 5 के आसपास। बट अब ये हो क्या गया, पूरे के पूरे लेयर को हमें खाली नीचे रिफ्लेक्शन को ब्लर करना है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बट अभी मैं इसको चूज करता हूं वर्टिकल, मुझे खाली वर्टिकली रिफ्लेक्शन चाहिए ब्लर हमारा, ठीक है ना। तो यहां पे अभी चलते हैं वापस और सेम इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहां पे जो हमारा इफेक्ट फास्ट ब्लर वाला है
उसके अंदर भी कंपोजिटिंग ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर देंगे, एक और मास्क जनरेट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करते हैं इसको और यहां से क्या कर रहा हूं मैं, एक और कंट्रोल जेड, लेयर को सिलेक्टेड रखना गाइस, और यहां पे वापस मैं क्या करने जा रहा हूं, एक और मास्क ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो ये मास्क ड्रॉ हो चुका है, अब वापस यहां पे चले जाएंगे और यहां पे हम क्या कर लेंगे, फास्ट बॉक्स ब्लर के अंदर मास्क टू सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख रहे हो कि ब्लर का वैल्यू खाली और खाली यहां पे अप्लाई हो रहा है, कहीं और नहीं। आपको इफेक्ट कंपोजिशन के बारे में डिटेल में सीखना है और बेटर तरीके से सीखना है तो एक ट्यूटोरियल लिंक मैं यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं, जरूर जाके देखना, चाहे आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा गाइस ये, तो जरूर जाके देख लीजिएगा उस ट्यूटोरियल को। तो हमारा ऑलमोस्ट एनिमेशन यहां पे रेडी हो चुका है। एक छोटा सा चीज मुझे और ऐड करना है, तो मैं यहां पे क्या करूं, थोड़ा या फिर हम इसको सिलेक्टेड रखते हैं और मैं क्या कर रहा हूं, यहां से स्केल प्रॉपर्टी ऑन करता हूं, की देता हूं यहां पे, ऑलमोस्ट मैं 5 सेकंड पे चलता हूं और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, की को थोड़ा यहां पे थोड़ा स्केल हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं और 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर स्केल का साइज मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं, बाकी की जो दो प्रॉपर्टी उसको हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा शिफ्ट कर देंगे सेंटर की तरफ। दूसरा एक चीज चाहिए कि एट द एंड ऑफ द एनिमेशन मुझे क्या चाहिए कि ये जो रिफ्लेक्शन है वो गायब हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एग्जैक्टली यहां पे मैं रिफ्लेक्शन का वैल्यू जो ये है हमारा रिफ्लेक्शन सेंटर का वैल्यू उसको मैं ऐड करते हुए जाऊंगा राइट की तरफ, तो ये क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्शन एट द एंड गायब हो रहा है। सो नाउ हमारा फाइनल एनिमेशन प्ले करके देख लेते हैं, मिरर टेक्स्ट रिफ्लेक्शन सिंगल लेयर के अंदर वाला। तो आप देख रहे हो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा मिरर टेक्स्ट रिफ्लेक्शन एनिमेशन जनरेट हो रहा है जो कि हमने सिंगल लेयर के अंदर जनरेट किया है। सो आई होप आपको अच्छी खासी चीजें सीखने को मिली होंगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।